والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم من خلقا من بعد خلقهم في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله. غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور محترم الناظرين سامعين दोस्तों पिछले दर्श में हमने जिन आयात की तफसर की थी जिनका तर्जमा तफसर हमने आपके ख़िदमत पेश की उनमें अल्लाह रबुलामीन ने इंसान इस दुनिया की पैदाइश का जिक्र किया आसमान और ज़मीन उसके अंदर की मखलूक़ सूरज और चाँद और फिर इस दुनिया के नज़ाम ये दुनिया जिस निज़ाम पर चल रहा चल रही है इस पूरे नज़ाम को अल्लाह ने मुख्तसर तौर तो पर लेकिन मकमल तौर तो पर बयान किया इन आयात में अब आज की जो आया आयात है इनमें पहली आयत में अल्लाह रबालमीन ने इंसानों की पैदाइश और इंसान जिन जानवरों से फ़ायदा उठाते हैं उनकी पैदाइश की तरफ तो किया और उसके बाद ये बतलाया कि इन सारी नमतों को पाने के बाद इस अजीम निज़ाम और इस निज़ाम में तुम्हारी पैदाइश और उससे तुम्हा, तुम्हारा तुम्हारा मुस्फ़द होना जो सिर्फ़ अल्लाह के रहम करम उसके फ़द्ल अनायत से है इन सब को पाने के बाद भी अगर तुम कुफ्र करते हो तो जान लो ये अल्लाह के साथ बहुत बड़ा है। और अल्लाह आलमीन इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा वो ये चाहता है कि तुम उसकी नेमतों से फ़ायदा उठाओ और उसका शुक्र बजा लाओ चुनाच रब्बुल आलमीन ने फरमाया खलाकाम तुम वाहिद तुमको एक जान से पैदा किया तो मिना जोजहा फिर उसी जान से उसके जोड़े को पैदा किया समानियत तजवा और तुम्हारे लिए चौपायों में से आठ जोड़े बनाए यखलोकम फ़ी बुम खल़म ख़ल़न फ़ीमा सलाद तुमको पैदा किया कैसे पैदा किया अल्लाह ने उसका जिक्र किया तुमको अपनी माओ के पेटों में तीन तारी की तीन तीन क्यों के अंदर एक के बाद दूसरी बनावट के साथ पैदा किया ज़ुम लाब्लमल्क यही अल्लाह है यही अल्लाह तुम्हारा रब है यही अल्लाह तुम्हारा रब है उसी के लिए बादशाहफ़ुन इला उसके सिवा कोई महबूद बरक़ नहीं वही आबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ वहीबादत के लायक है फ़ानन्ना तस्फ़ो तो इन सारी न्यामतों के पाने के बाद इन आज़ीम इन अजीम न्यामतों के पाने के बाद तुम अल्लाह से कहाँ बहक रहे हो तुम कहाँ बहक बहक कर निकल जा रहे हो इन तकफ़्रो फ़ैन अल्लांकुम अगर तुम कुफ़्र करते हो ना शुक्री करते हो तो याद रखो अल्लाह ताला तुमसे बेन है हैदालबादिलक़्र और वो अपने बंदों की ना शुक्री से खुश नहीं होता वो अपने बंदों से ना शुक्री को पसंद नहीं करता है व इन तशुम लेकिन ये भी याद रखो कि वो अगर तुम उसका शुक्र बजा लाते हो तो तुम वो तुम्हारे लिए इसी को पसंद करता है अला तज्रुआ जरा तुम और कोई भी बोझ उठाने वाला नफ्स दूसरे के बोझ को हरगिज़ हरगज नहीं उठाएगा और कोई भी बोझ उठाने वाला कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे के बोझ को नहीं उठाएगा तुम महिला रब्बिकुम मर्जिया कुम फिनब्य कुम बीमा कुम तुम तैमून और फिर तुम सबको लौट कर उसी रब उसी परवर दिगार की तरफ जाना है जहाँ वो तुमको उन तम तुम्हारे किए तमाम अमाल के बारे में बतलाएगा सुदूर यकीनन वो रब दिलों की बातों को भी दिलों के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है उसको भी अच्छे से जानता है पहली आयत में इंसान की पैदाइश अल्लाह ने कैसे शुरू की उसका ज़िक्र किया पहली आयत में इंसान की पैदाइश को अल्लाह ने कैसे शुरू किया बतलाया है हजरत आदम हम सब जानते हैं कि हजरत आदम और उनकी बीवी हज़रत अवा से दुनिया की इस पूरी इंसानियत की पैदाइश हुई अल्लाह रबालमीन ने कुरान के अंदर इसको कई जगह बयान किया अपने तो वा उस रब से डरो जिसने एक नफ्स से तुमको पैदा किया और उसी नफ्स से उसका जोड़ा भी बनाया यहाँ भी अल्लाह आलमीन ने यही कहा कि एक पहले उसने एक इंसान को पैदा किया वो आदम सलाम जिनको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया और फिर उनके अंदर अपनी रूह उनके फिर उनके अंदर रूह होगी फिर उनके अंदर रूह होगी और फिर उन्हीं से उनकी बीवी हवा को पैदा किया जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम्ला हदीस में है फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हवा को आदमी सलाम की पसली से पैदा किया बाई पसली से पैदा किया हवा को बाई पसली से पैदा किया ये भी अल्लाह की कमाल कुदरत है ये भी अल्लाह की कमा, कमाल कुदरत है उसने होवा को उसी इंसान से उसी मर्द से पैदा किया जिस मर्द का उसको जोड़ा बनाया और कहा के आगे कि आगे अल्लाह रबूम ने दूसरी कि फरमाए बस कसीर कसरिस और फिर इसी जोड़े से अल्लाह रबूल आलमीन ने पूरी इंसानियत को पैदा किया उन्हीं दोनों से बहुत सारे मर्द औरत पैदा करके इस ज़मीन पर फैला दिया आबाद कर दिया अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है सिर्फ़ इंसानियत की पैदाइश सिर्फ इंसानियत की पैदाइश क्या कोई भी साइंसद और कोई भी साइंसी ताकत जितनी भी ऊपर पहुँची हो किसी इंसान को पैदा कर सकता है किसी इंसान की पैदाइश की ताकत इसी के अंदर है जबकि इंसान अपनी साइंसी तहकीक़ात के जरिए यहाँ तक पहुँचा है कि एक बच्चे की पैदाइश माँ के पेट के अंदर जब हो शुरू होती है तो कैसे होती है और उसकी तख्लीक़ जो पेट के अंदर होती है वो कैसे कैसे बदलती है कैसे कैसे वो परवान चढ़ता है इसकी तहक़ीक कर चुके लेकिन ये चाहें कि इंसान को अल्लाह किसी औरत के पेट से पैदा कर दें ये किसी की ताकत में नहीं है सिर्फ़ अल्लाह की ताकत है। सिर्फ अल्लाह की ताकत है इसीलिए उसने अपनी इस अजीम कुदरत और अपने इस अजीम कमाल का कुरान में जगह जगह जिक्र किया है कि उसने तुमको इस तरह पैदा किया और सिर्फ तुमको नहीं पैदा किया बल्कि आगे ये भी जिक्र कर दिया कि तुम्हारी पैदाइश के साथ साथ तुम्हारी जो ज़रूरत है उसको भी दुनिया पैदा किया चौपायों का यहाँ जिक्र किया चौपायों की पैदाइश का ज़िक्र किया कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने इस सरज़मीन पर चौपायों में से आठ जोड़े बनाए चौपायों में से आठ जोड़े बनाए हकीकत में यहाँ चार चौपा चौपायों का जिक्र मुराद है जो जिनका जिक्र अल्लाह ने सुराना आम में किया है वो कौन है भेड़ बकरी ऊंट और गाय भेड़, बकरी ऊंट और गाय जिनको सरेाना आम के अंदर अल्लाह आलमीन ने जिक्र किया है और अल्लाह रबूलमीन ने कह रहा है कि इनको नर और मादा बनाया लिहाजा ये आठ हो गए ये आठ हो गए तो अल्लाह रब्लम ने इनको पैदा किया इनको पैदा किया ला रब्आलम ने और इनके लिए भी दुनिया में जीने का इंतज़ाम बनाया चुनानचे उनको चारा चाहिए इन तमाम जानवरों को पानी चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चारा का इंतज़ाम किया इंसान खेती करता है खेती से जो निकलता है खेती से इंसान की खुराक भी निकलती है और खेती ही से इन चौपाओं की भी खुराक निकलती है ये किस रब का निज़ाम है गौर करो मेरे भाइयों उस रब के निज़ाम पर गौर करो जिसने हमारी ख़ुराक का इंतज़ाम किया है इस खुराक का इंतज़ाम हमारे लिए उसने ऐसे किया कि उसी खुराक से उस खुराक ही में से इंसान के लिए भी खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता है और उसी में से चौपाओं के भी खाने पीने का इंतज़ाम होता है और फिर खुराक के साथ पानी चाहिए तो अल्लाह ने आसमान से साफ ताहिर पाक पाकिदा पानी उतारा जिसका अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कितनी जगह पर ज़िक्र किया कि अल्लाह ने मान तूरा नाजिल किया तहुरा। इसके बाद अल्लाह रबूल ने इस बात का जिक्र किया कि है कि इंसान की पैदाइश माँ के पेट में से जो होती है तो माँ के पेट में कौन उसको कैसे उस, उसकी परवरिश होती है कैसे अल्लाह रबुल आलमीन पैदा करता है कहा कि तीन तारीखों के अंदर माँ के पेट में तीन तारीखों के अंदर अल्लाह रबालमी इंसान की बनावट मरहल वार करता है तीन तारकियाँ कौन सी हजार अब्बास और दूसरे साहब कराम ने भी इसको जिक्र किया है और आज की साइंस ख़ुद इसकी तर, इसकी तस्दीक कर रही है पहली माँ के पेट का अंधेरा दूसरा रहम मादर माँ के रहम का अंधेरा और तीसरा वो झिल्ली और पर्दा जिसके अंदर बच्चा होता है उसका अंधेरा तीन अंधेरे का अल्लाह ने जिक्र किया तीन अंधेरे का अल्लाह ने जिक्र किया कि तीन अंधेरे के अंदर माँ के पेट में तीन अंधेरे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की पैदाइश करता है माँ के पेट का अंधेरा रहम मादर का अंधेरा और उस अंधेरे के अंदर राहम के अंदर अल्लाह इंसान को एक झिल्ली के अंदर महफूज रखता है इस झिल्ली का अंधेरा इसके अंदर ये तीन अंधेरों के अंदर, अंदर इंसान की पैदाइश बनती है और इस पैदाइश के अंदर भी तब्दीली होती है मरहलेवार तब्दीली होती है और इसको अल्लाह ने इस तब्दीली को अल्लाह ने क़र बहुत सारे जि जगह जिक्र किया है कि इंसान पहले खून होता है पहले नतफ़ा होता है उसके बाद खून बनता है फिर जमा हुआ खून बनता है फिर हड्डी बनती है फिर हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ता है ये कौन करता है वो तो पाक परदगार जो हमारा हम सब का पैदा करने वाला है ये उसी की कुदरत उसी की क़ुदरत होता है और गौर यह करो कि उसी की मशीयत होती है तो बच्चा पूरा पैदा होता है सेहतमंद पैदा होता है उसकी पैदाइश पर परेशानी नहीं होती है और ऐसा भी होता है कि बिल्कुल अधूरा ही पैदा हो जाता है माँ के पेट के अंदर ही मर जाता है पेट से पैदा होने के बाद ही बाद भी अधूरा रहता है अधूरा नहीं होता है तो बीमारियाँ लेकर पैदा होता है ये कौन कर रहा है वो रब जो इंसान को माँ के पेट के अंदर पैदा करता है इसीलिए कहा जहकुमल वो अज़ीम कमालत वाला रब वो अज़ीम कमाल और ताकतों वाला रब वो अज़ीम पैदाइश करने वाला रब वो खालिक और राज़िक वही तुम्हारा रब है वही तुम्हारा रब है रब के माना यहाँ क्या है सिर्फ एक नहीं सरपस्ती, बल्कि तुम्हारी इस दुनिया में पैदाइश के बाद से लेकर आखिरी सांस आने तक इस दुनिया से जाने से पहले आखिरी सांस आने तक वही तुम्हार तुमको खिलाता पिलाता है तुम्हारे लिए इंतज़ाम करता है तुम्हारी ज़रूरतों को पूरी करता है तुम्हारी हाजात को पूरी करता है तुम्हारी हर परेशानी को दूर करता है परेशानी आती है तो उसी हुक्म से और परेशानी जाती है तो उसी की मंशा उसी कुदरत से बीमारी आती है तो उसी के हुक्म से और बीमारी जाती है तो उसी शफा देने वाले रब के हुक्म से तो वो तुम्हारा रब है जो तुम्हारी दुनिया में इस पूरे निज़ाम के अंदर देखभाल भी कर रहा है खिला भी रहा है पिला भी रहा है दुनिया के पूरे निज़ाम को चला रहा है लिहाजा होना क्या चाहिए लाहुल मुल्क वही पूरी जहाँ का पूरे इस निज़ाम का बादशाह क्योंकि उसी के कुदरत में सब कुछ है उसी के ताक़त के अंदर सब कुछ है बादशाहत उसके अलावा किसी की हो, नहीं हो सकती है जो भी बादशाह दुनिया में होगा वो उसी बादशाह का मोहताज होगा तो ये बादशाहत किस माने में इस पर किस किस मा, माने में घमंड किया जाए इस लायक भी नहीं है कि इस पर आदमी घमंड करे और जब वही बादशाह है वही खालिक है वही रज़ है वही रब है वही मुदब्बिर है वही निज़ाम को चलाने वाला है तो फिर र, इबादत किसकी होनी चाहिए उसी मबूद की ये पेशानी कहाँ झुकनी चाहिए उसी मबूदी मबूद हकीकी दर पर यह हाथ अपनी ज़रूरतों को मांगने के लिए कहाँ उठना चाहिए उसी रब के दरबार में उसी रब के दरबार के सामने उसी रब के सामने ला इंसानों इला जान लो कि मबूद बरहक़ सिर्फ वही ज़ात वही ज़ात इस लाक़े के इबादत का तमाम अमल उसके लिए हो अगर इसके अलावा किसी के लिए होगा तो ये हरगज़ तो वो ये ना शुक्रिया होगी हरगिज उसके लिए काबिल कबूल नहीं होगा इसीलिए कहा अन्ना तो सफून इन तमाम हक़ाक़ को जानने और देखने और समझने के बाद भी तुम उस रब को छोड़ कर कहाँ चले जा रहे हो कहाँ चले जा रहे हो किसी इबादत में लगे हुए हो इसीलिए आगे ला रबालमिन ने साफ ये कह दिया कि इस अल्लाह की इस इबादत छोड़ कर जहाँ भी जाओगे अल्लाह अल्लाह की इस इबादत को छोड़कर, कर जहाँ भी जाओगे अल्लाह के साथ करोगे तो ये जान लो कि उसकी अजीम न्यामतों के साथ ये ना शुक्री है इसीलिए कहा इन तकफरूफ इन गी कब? उसने तुमको पैदा करने के बाद अमल का सारा रास्ता तुम्हारे खोल दिया है छोड़ दिया है तुम्हारे लिए कि चाहो तुम शुक्रगुजार बनो और चाहे तो ना शुक्र ना शुक्र बनो चाहो तो शिक्र गुज़ार बनो और चाहे तो ना शिक्र बनो हलत आलान من कन्शे मतकूरा इन्ना ख़लकनसान शाहजिन फ़जा उमिया इन्ना السبيل ना उबील इम्मा शिक्रों इमां कफूरा अल्लाब्लम साहब कहा कि इन्ना हदै السبيل हमने इंसान को पैदा करने के बाद उसको रास्ता दिखा दिया छोड़ दिया रास्ता उसके लिए खोल कर ज़िंदगी में अमल करने का तमाम रास्ता उसको दिखा, अगर छोड़ दिया चाहे तो वो शुक्रगुजार बने और चाहे तो ना शुक्रा बने लेकिन उसे जान लेना चाहिए कि अगर तुम अल्लाह के साथ कुफ्र करते हो ना शुक्री करते हो उसके साथ शरीक ठहराते हो उसकी इबादत नहीं करते हो उसके साथ बगावत करते हो तो याद रखो अल्लाह को इसकी कोई फिक्र नहीं है क्योंकि इससे उसकी बादशाहत में कोई कमी होने वाली नहीं है क्योंकि इससे उसके फजल इनाम में कोई कमी होने वाली नहीं है क्योंकि इससे उसकी न्यायतों में कोई कमी होने वाली नहीं है और न ही इससे उसका निज़ाम बिगड़ने वाला है इसीलिए कहा कि फिनल्ला गनीकमल तुमसे बेनियाज है और यही नहीं ये भी जान लो कि न शुक्र कर कर अल्लाह की आबादत ना करके तुम कोई बहुत बड़ी सी चीज़ नहीं बन सकते क्योंकि वो अजीम कुदरत वाला तुम्हारी इस नाशक्ति को हरगिज़ नहीं पसंद करता है वो क्या पसंद करता है वो शुक्रगुजारी पसंद करता है वो शुक्रगुजारी पसंद करता है और ये चाहता है कि तुम उसके शुक्रगुजार बनकर इस दुनिया में रहो शुक्रगुजारी का सबसे बड़ा तकादा यह है कि तुम अपनी पेशानी उसी के आगे झुकाओ उसी के आगे सजदा और रुकू करो उसी की इबादत करो इबादत का वो तमाम तरीक़ा इख्तियार करो जो उसने बतलाया है और इस इबादत में किसी को शरीक न करो इसलिए कि अगर तुमने ऐसा किया तो यह ये भी जान रखो कि दुनिया ऐसे नहीं बल्कि एक दिन आएगा कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी ये दुनिया ये निज़ाम हमेशा ऐसे नहीं चलेगा बल्कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और उस दुनिया में जब तुम जाओगे दूसरी दुनिया जो अल्लाह क़ायम करेगा तो वहाँ अल्लाह रब्लमिन तुम्हारे सामने इस दुनिया के तमाम अमाल को रख देगा जो कुछ तुमने किया है वो तुम्हारे सामने होगा और कोई भी इंसान तुम्हारा भाई हो बंद हो तुम्हारा रिश्तेदार हो बाप हो बेटा हो बीवी हो कोई भी तुम्हारा तुम्हारी तरफ से फिदिया देने के लिए तुम्हारा साथ देने के लिए वहाँ कोई नहीं होगा कोई बोझ उठाने वाला तुम्हारे बोझ को नहीं उठाएगा बल्कि जो तुमने अमल इस दुनिया में किया होगा उसका पूरा पूरा तुम्हें बदला मिलेगा तो अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा बुरा किया है तो बुरा मिलेगा क्यों इसलिए कि अल्लाह रब्लमिन से तुम्हारी कोई चीज़ छुपी नहीं है इस दिल के अंदर भी इन बदात सदूर इस दिन के इस दिल के अंदर भी जो कुछ खटकता है जो वसवसा होता है जो ख़दशात आते हैं तुम जो सोचते हो ये सब अल्लाह के आलम है करना तो बात का काम है करना ये तो बात का काम है जो कर रहे हो तो देख ही रहा है अल्लाह आलमीन इस दिल के अंदर इस दिमाग के अंदर भी जो कुछ आता है ये सब भी अल्लाह से पूछता नहीं है तुम्हारे नज़रियात तुम्हारे अकायद तुम्हारा सोचना और हत्ता के अल्लाह के के खिलाफ तुम्हारी साजिश और मकर ये सब का सब अल्लाह के इल्म में है इसलिए अल्लाह आलमीन के सामने खड़े होने से डरो और सोचो कि अल्लाह के सामने जब खड़े होंगे तो हम कैसे हिसाब देंगे अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से अमल करने की तोफ़ी करदानी फरमाए वमा मान